gestures. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah. Son, gotta reach inside of my backpack. Look back, what's that for that? Feeling like Bambi, scary, reach down, can't. देख रहे हो, मतलब लक देख रहे हो, घर से निकलते ही गाड़ी हो गया पंक्चर। वो गाड़ी का पंक्चर बना रहा हूँ जिस काम के लिए निकला था। मे भी आज रात हो जाए और उस काम के लिए पहुँच ना पाऊँ जिस काम के लिए आया था। जो मेरे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है वो मैं कल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज अंधेरा हो गया और अंधेरे में वो काम होगा नहीं। तो जो काम था वो कल करते हैं। तो एक जो मेरा काम था पॉल्यूशन वाला वो हो गया है, क्योंकि मेरा पॉल्यूशन मेरे बाइक का ख़त्म था। अरे मेन हुआ क्या कि घर से निकलते ही बाइक हो गया था पंक्चर, तो इसे बनवाने में टाइम लग गया और अंधेरा हो गया था। तो बाकी एक बात जो है वो कल करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सारे के सारे बहुत सही होंगे। तो अभी मैं अपने घर से आया हूँ। दिल्ली का एक पार्क ऐसा है, ये आपको पार्क दिख रहा है क्या? एक्चुअली ये पार्क है बट किसी जंगल से कम नहीं है। इसमें आप जितने अंदर तक जाओगे ये रहस्यमय जंगल जैसा लग रहा है कुछ। तो एक्चुअली मैं इसे दो दिन पहले इस पार्क को मैं आके विज़िट करने वाला था और इस पर वीडियो बनाने वाला था, पर मेरा बाइक पंक्चर हो गया था और पॉल्यूशन करवाने के चक्कर में रात हो गया था, तो फिर मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो फिर मैं दो दिन बाद आज आया हूँ यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने। तो मैं अपने शक्ल को ज़्यादा ना दिखाते हुए बस इस पार्क में क्या क्या है और कितना ऊपर देखो आप प्लेन जा रहा है, दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं। हाँ, तो इस मैं अपने शक्ल को ज़्यादा ना दिखाते हुए बस इस पार्क में क्या क्या है और ये कैसे रहस्यमय है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कौन सा लोकेलिटी पे है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मेट्रो की लाइन जा रही है और ये गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुनगढ़ के बीच का प्लेस है। ये आप देख रहे हो ली मर्डेंस होटल है, DLF का पूरा साइबर सिटी है। और ये जो प्लेस है ना ये कहलाता तो पार्क है पर ये किसी जंगल से कम नहीं है। तो मैं और भी इसमें क्या क्या रहस्यमय चीज़ें हैं वो मैं आगे चलता हूँ और फिर आपको बताते जाता हूँ। यहाँ पे देखो अमूमन जितने भी पास के लोग हैं वो यहाँ पे जॉगिंग करने भी आते हैं सुबह शाम। ये व्यू देख रहे हो आप, ऊपर फ्लाइट देख रहे हो, ऊपर देखो फ्लाइट जा रही है क्योंकि यहाँ पे पास में ही एयरपोर्ट है। और ये व्यू कितना सही लग रहा है भाई, कितना सही लग रहा है। मतलब दूर से देखने से लग रहा है पूरे एक किसी मतलब और ये देखो साइड में कितना मतलब गहरा है पूरा, ये जंगल ही है और पता नहीं इसे पार्क कौन बना दिया भाई। पता है अगर जो कमज़ोर दिल वाले होंगे वहाँ उन्हें यहाँ पे पार्क में बहुत डर होगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और ये व्यू देख के बहुत सही लग रहा है मुझे, यहाँ पे कोई खो ना जाए इसलिए हर जगह हर मतलब छोटे छोटे जगहों पे ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड है, ये वन वे है या फिर ये रास्ता कहीं और बताओ ये कोई रास्ता है। अगर हम इधर कहीं जाते हैं तो ये तो जंगल ही है ना भाई, ये पार्क है। आप देख रहे हो सामने जो ये सूरज का ढलना कितना सही लग रहा है ना, अमेजिंग। अब यहाँ पे घूमते घूमते अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, 7 बजने वाला है। और ये जो पार्क है ये मैंने बोला था कि अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन से जब आप आगे बढ़ोगे गुरु द्रोणाचार्य की तरफ तो ये बीच में पार्क आता है। और यहाँ पे पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बहुत सही है, पर जो सिंगल हैं भैया उनका तो कुछ कह नहीं सकते हम। देख रहे हो पीछे मेरे कितना मतलब गड्ढा है, खाई है। और 7 बजे सारे गार्ड क्या बोलते हैं कि भैया अब अपने अपने घर चलो क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। ना देख रहे हो जब अंधेरा होता है तो सब कोई जा चुका है। अगर रात में मान लो कहीं ऐसा हो कि सब कोई जा चुके हैं और आप फंस जाओ अकेले यहाँ पे तो क्या आपकी फीलिंग होगी? और आप इमेजिन कर सकते हो कि इस घने जंगल में आप फंस जाओ, कोई आपके आसपास ना हो तो आप क्या करोगे?
या फिर आपको हार्ट अटैक आएगा, क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या फील करोगे जब आप अकेले इस पार्क में फंस जाओगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं बिहार पटना से हूँ, और पटना वालों का क्या है ना सीन, जो पटना से होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे, छोटे शहर में क्या होता है ना कि मिलने का लोगों को उनके मिलने का प्लेसेस ज़्यादा नहीं होता है, और अगर पटना वालों को पता चला कि दिल्ली में ऐसा कोई प्लेस है, सारे भागे भागे आएंगे और यहाँ पे भाई मिलना जुलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वैसा कुछ प्लेस है, जिसको नीड है वो आ जाना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं प्लेस बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे आना है। बस आप ब्यूटी देखो कितना सही लग रहा है, इस आगे सामने पूरा DLF है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये DLF का बिल्डिंग है जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ मेरे भाई हैं जो फोटो शूट कर रहे हैं। सही है भाई, मतलब आप लोग कहाँ से हो? दिल्ली से ही हो? तो इस पार्क में आप रेगुलरली आते जाते रहते? नहीं, आकर के बाद में आया। अच्छा, इससे पहले मैं बाय फॉल्ट आ गया था यहाँ पे। अच्छा, हम किसी को पता नहीं है ना कि ये पार्क इतना अंदर है और ऐसा इलाके में भी। आप रहते कहाँ पे हो? हम मेहपालपुर में रहते हैं। अच्छा, आप यहीं पे एयरपोर्ट के पास ही रहते हो? ठीक है, तो आपको ये कैसा लग रहा है, मतलब एक्सपीरियंस क्या है? कोई जवाब नहीं है, दिल्ली में ऐसा लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है, और जिसको पता है वो दीवाना है। वही तो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मतलब जो कपल्स हैं उसके लिए कुछ बेनिफिट है? आज इस चीज में तो हमें नहीं पता। क्यों, आप सिंगल हो? बात ये नहीं है, पर हमने कभी जब हम आए तो हमने इधर उधर देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, लेकिन होता होगा आपको लग रहा है? ऑब्वियसली बात है, होता होगा। नोट नहीं किया पर मैं भी होता ही होगा। ठीक है भाई, जिनको करना है उनको करने दो। ठीक है, थैंक यू भाई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा समीर चौधरी। ओके भैया, थैंक यू।